लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन धर्म निभा रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहीं चुनावों से पहले ही सीट शेयरिंग में फेल ना हो जाए, क्योंकि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर दावेदारी को लेकर दोनों ही अड़े हुए हैं। आप नेता दो 3 से 5 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन हुड्डा ने साफ बोल दिया कांग्रेस हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने में खुद ही सक्षम है, उसे किसी की जरूरत नहीं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से मिलकर लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है जी। तो कल जो एक सीटों के बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला दिया है, 7 और 3 का फॉर्मूला दिया किसने दिया है फॉर्मूला? कल मीटिंग थी, आप लोगों की खबर है। मुकुलवासनी का बयान है कि सिर्फ पंजाब ना ये दिल्ली डिस्कस किया। आम आदमी पार्टी मांग रही है 3 सीटें मांग रहे हैं तो ठीक है, आप कितनी सीटें देना चाहोगे? ऐसा है अभी तो कोई बात ही नहीं है हमारे सामने, कोई बात ही नहीं आई अभी तो, पंजाब दिल्ली डिस्कस हुआ है। क्या ऐसी कोई बात आती है तो कितनी सीटें देना चाहिए? मैंने कहा ना हरियाणा स्वयं में सक्षम है, कुछ क्राइटेरिया बनता है जब बंटवारा होता है गठबंधन में सीटों का, कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ पैरामीटर तय किए जाते हैं, वो कोई तय नहीं करेगा, कुछ तय होंगे तो बात अकेले जाएगी युद्ध में। बता दी ना भाई, हाइपोथेटिकल बात पूछ रहे, मैं बता चुका हूँ। एक सवाल के जवाब में जब भूपेंद्र हुड्डा से पूछा गया कि पंजाब में आप और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं, तो हुड्डा ने साफ तौर पर कह दिया कि ये सब दिल्ली में बात हुई है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस अकेले दम पर ही चुनाव लड़ने में सक्षम है। शैलजा द्वारा यात्रा निकाले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सब अपने अपने दम पर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस हाईकमान के सामने हरियाणा कांग्रेस को लेकर कई चुनौतियां हैं। अब गठबंधन धर्म को निभाने की एक नई चुनौती कांग्रेस आलाकमान के सामने है। अब किसे कितनी सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिलती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।